नमस्कार आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल स्पॉन्सर्ड बाय लीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट पेन जीटी रोड और बाईपास सब तरफ से है पास दीवाने खास हमसा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर ग्लोबल वॉलपेपर होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन अब फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉप एक्सपर्ट डेंटल केयर आसनसोल में खुले इस नए ड्रेन के मसले पर हुआ दो पक्षों में तनाजा। मौके पर पहुंची आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और पुलिस। क्या है पूरा मामला, दोनों पक्षों और एएमसी अधिकारियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। रास्ता इनका पहला घर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का प्लान है नहीं। सबसे पहला काम पूरा बिल्डिंग सही लीगल है, तो कॉपी म्युनिसिपैलिटी को हम जमा कर दिए हैं। म्युनिसिपैलिटी का जो लीगल सेल वाले आए थे उनको हम जमा कर दिए। दूसरा चीज है कि 22 साल पहले ये ड्रेन बना था, म्युनिसिपैलिटी के द्वारा ही बना था। इनका कहना है कि डायगोनल हमको ऑर्डर है, तो तब तो हर आदमी बोलेगा कि हमको डायगोनल ऐसे ऑर्डर करवा दीजिए। कोई आदमी अपने घर के सामने से ड्रेन, जबकि सरकारी जमीन पे जमीन ड्रेन का बना हुआ है, इसलिए यहाँ का पब्लिक पूरा है, पूरा टोटल पब्लिक यहाँ का है, इनसे आक्रोश है। अच्छा, ये जो बार बार बोल रहे हैं कि मेरे जमीन पे बना दिया गया जबरन, हमको कोर्ट से ऑर्डर मिला है डायगोनलिंग करने के लिए, तो कितना सही है? नहीं नहीं, पूरा टोटल गलत है। ये तो पूरा इनका प्लान ही नहीं है, बिल्डिंग ही पूरा गलत है। उनका प्लान नहीं है तो बिल्डिंग गलत है। ये सरकारी जमीन म्युनिसिपैलिटी का जमीन पे बना हुआ है, तो सारा पेपर हम लोग म्युनिसिपैलिटी में मेयर साहब को ले जाकर देंगे। रास्ता कुछ छोड़े हैं या फिर घर के? कुछ कुछ नहीं, कुछ दो कट्ठा जमीन है उसमें पूरा घर बनाएंगे, पूरा टोटल कैप्चर करके घर बना लिए। इनका कोई भी जमीन रोड पे नहीं है, ये सारा म्युनिसिपैलिटी का, सारा म्युनिसिपैलिटी की जमीन पे रोड बना हुआ। नाम बता, संजय कुमार सिंह। ড্রেনের ব্যাপারে সমস্যা নয়, ড্রেনের ব্যাপারে একটা এসছিল, এখানে একটা কোর্টের অর্ডার ছিল, কোর্ট কর্পোরেশনকে একটা অর্ডার দিয়েছিল একটা ডায়াগোনাল ড্রেন করার জন্য, তো ওই ব্যাপারে এসছিলাম। দেখলাম একটু প্রবলেম হচ্ছে, ঝুট ঝামেলা বেড়ে যাচ্ছে, ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে, প্লাস যারা অপোজিট পার্টি আছে তারা কর্পোরেশনকে একটা চিঠি দিল যে এখানে ক্লিয়ার স্পেসিফিক অর্ডার নেই, তো আপনারা বিচার করুন, তারপরে আমাদের রিটার্ন নিন, তারপরে দেখা যাবে। समस्या सर ये है, आज से 22 साल पहले यहाँ पे हम लोग का 4 फुट जमीन था, इसमें जोर जबरदस्ती कॉर्पोरेशन के सपोर्ट ले करके यहाँ ड्रेन बनाया गया, जिसका अगेंस्ट में इसी तरह जिस तरह अभी भीड़ हुआ है, इसी तरह से भीड़ ये सामने वाले जो संजय सिंह है, ये भीड़ इकट्ठा किए थे, भीड़ इकट्ठा करके हम लोग के ऊपर अत्याचार किए, हम लोग का घर में तोड़ भांग किए थे, जिस समय उस समय भी न्यूज में आया था सर। तोड़ भांग करने के बाद हमारे पिताजी थे केवल अकेले उस समय, और ये छोटा भाई हमारा, तो ये छोटा भाई के ऊपर ये लोग अत्याचार किए, पूरा मारपीट पूरा किए, उसके बाद करके चले गए। हम लोग कानून का सहारा लिए, कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद हम लोग का आज 2012 में हम लोग को डिग्री मिल गया कि ये जमीन हम लोग का है, इसको कोर्ट ऑर्डर दिया कॉर्पोरेशन को, चूंकि हम लोग कॉर्पोरेशन बनाया था इसलिए हम लोग कॉर्पोरेशन को केस किए, कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में, कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में केस करना, कॉर्पोरेशन हार गया केस, हार जाने के बाद कॉर्पोरेशन इसको हाईकोर्ट ले गया, कॉर्पोरेशन का जो वकील थे माधव बनर्जी, ये इसको हाईकोर्ट ले गए, हाईकोर्ट ले जाने के बाद हाईकोर्ट वहां से उसको फिर भेज दिया कि नहीं, जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वही मान्य होगा। लोअर कोर्ट हम लोग को ऑर्डर दिया है कि
ये आपका जो ड्रेन है 4 फुट, ये कॉर्पोरेशन का ऑर्डर दिया कि इनको जो फोर्सिबली जो ड्रेन बना है इसको डिमोलिश किया जाए, और उस समय के आईएएस अफसर एडीएम थे श्री मनोज कुमार पंत जी, उनका भी ऑर्डर था, वो एक ऑर्डर थी जिसका कॉपी हमारे पास है, वो ऑर्डर दिए थे कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए एक डायगोनल ड्रेन यहाँ बन जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसका कॉपी है, अगर बोलेंगे तो हम दे देंगे। तो ये सब निर्धारित होने के बाद कोर्ट हम लोग को कॉर्पोरेशन को ऑर्डर किया कि यहाँ पर डायगोनल ड्रेन बने। आज ये ड्रेन बनाने के लिए कॉर्पोरेशन जो है थाना में चिट्ठी दिया था कि 1 तारीख को 12:30 बजे हम लोग आएंगे ड्रेन बनाने, और ड्रेन बनने के बाद हमको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन भी आया था, लेकिन यहाँ आज वही फिर आज से 22 साल पहले जो हुआ था उसी को दोहराया गया। ये तमाम लोग यहाँ के नहीं है, सब ये बाहर के बाईपास, कोई सिपहिया मोहल्ला, कोई इस रोड के एक आदमी केवल थे, ये सामने वाले संजय सिंह, बाद बाकी कोई नहीं था, और ये लोग गुंडागर्दी फिर आज किए, जो कि आज झमेला का सृष्टि हुआ जो आपने भी देखा। अभी कॉर्पोरेशन के लोग क्या बोले? कॉर्पोरेशन के लोग बोल रहे हैं कि अभी आप आइए कॉर्पोरेशन, फिर देखते हैं क्या होता है, टाल मटोल कर रहे हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश प्रसाद है। दांत में हो रही समस्या से पाना चाहते हैं जल्द छुटकारा, तो आज ही आए एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए डेंटल क्लिनिक में बीडीएस ओरल एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर गजनफर रब्बानी एवं अन्य एक्सपीरियंस डॉक्टर करेंगे दांत से जुड़ी समस्याओं का सटीक इलाज, ताकि आप मुस्कुरा सके जी खोल के। हमारा एड्रेस है नियर ओके रोड, ऑटो स्टैंड रेल पार, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। Need based hospital and medical institute which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100 bedded IPD unit, super specialist doctors ke saath hi saath yahan kai tarah ki facilities uplabdh hai, jaise emergency 24/7 modular OTs, ICU, NICU, HDU, pharmacy 24/7, daycare unit, dialysis unit, dental unit, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. Hamara pata hai Bhagat Singh Road, Asansol, 713304. Contact number 912-3873265, 9609002666, 6295280255. अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500, यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, गोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। उसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाए। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ ₹100। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितंजन रोड, आसनसोल। जब शहर में है दीवाने खास तो फंक्शंस होंगे और भी बेहतर। ट्रेन, जीटी रोड और बाईपास सब तरफ से है पास दीवाने खास। जी हाँ, दीवाने खास को खास बनाती है यहाँ की डिफरेंट फैसिलिटीज। 8500 स्क्वायर फीट एरिया में फैले इस हॉल में ड्रिंकिंग वाटर, पावर बैकअप, 600 स्क्वायर फीट वाला किचन और डेकोरेटर्स के सारे सामानों की है सहूलियत। 2000 की कैपेसिटी और 250 लोगों की एक बैच में खाने का इंतजाम। एसी रूम्स विद अटैच बाथरूम, 3 एंट्रेंस, सीसीटीवी कैमरास भी है मौजूद। शादी हो या पार्टी, जरूर करें कांटेक्ट। हमारा पता है रेल पारो के रोड नियर ऑटो स्टैंड, आसनसोल। अपने
यूनिक कलेक्शन के लिए पुरसर पांचर में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, अपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। पुरुलिया राना घाट की घटना के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस चौकन्नी नजर आ रही है। कल शाम हीरापुर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ सोना कारोबारियों को लेकर बैठक की गई। इस मौके पे एसीपी, सीआई और थाना इंचार्ज प्रसन्नजीत राय के अलावा कई लोग मौजूद थे। মেলা তো চলছে না যে আপনার দোকানে দশজন ঢুকে গেল, আস্তে আস্তে করে ঢুকতে বলবেন, মানে বাইরে বেশ করুন। যদি সত্যিকারের জেনুইন কাস্টমার হয় ওয়েটও করবে, আর যদি না হয় তাহলে তো বুঝতেই পারছেন কিছু সাসপিশিয়াস ব্যাপার আছে, সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। দোকানে ঢোকা যাবে না, মুখ ঢেকে দোকানে যাবে না, সিসিটিভি মুখ দেখাতে হবে, এটা ইয়েতে আলোচনা, ইয়ে কি বলে আদেশ অনুসারে বাই অর্ডার করি, বাই অর্ডার পুলিশ কর্তৃপক্ষ হীরাপুর থানা, এরকম লিখে দেন কি বলে আমরা বলবো যে এরকম করা যাবে না ভাই, সবাইকে মুখ দেখাতে হবে, কিছু যেন মুখটা দেখি আপনি ঢুকুন দোকানে। এটা করা আর একটা জিনিস বলছি, যেটা ম্যাডাম বলছে বারবার, সেটা হচ্ছে রেকি করবে, রেকি করা মানে হচ্ছে আগে এসে দেখে যাওয়া, বারবার দেখা এদিক ওদিক, পালানোর রাস্তা কোথা দিয়ে আছে, আপনার দোকানে কত মাল থাকছে, কোন সময় বেশি লোক দোকানে থাকছে না, এগুলো কিন্তু একটা একদিন দেখতে হবে, কিন্তু হট করে এসে হামলে পড়ে যাবে না, তো ওইটা একটু নজর রাখা, দোকান করতে করতে একটু নজর রাখা। আর যদি সম্ভব হয় না, এই পুজোর সময়টুকু দোকানের বাইরে একটা ছেলেকে যদি চেয়ার দিয়ে বসানো যায়, বা আপনার তিন চারটা দোকান মিলে একটা ছেলেকে বসালেন, ও হচ্ছে বাইরে থেকে দোকানে শুধু চেয়ার, ওর কাজ কি বিপদ দেখলে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে ফোন করা। আমাদের যেমন হচ্ছে ব্যাংকে সিবিদের বলা হয়েছে ওদের আটকানোর সুবিধা খেতে আটকাও না, ও বাইরে থাকা দরকার হলে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে থানা ফোন করা যেখানে কিছু হচ্ছে, এটাই দরকার। ও একা কী করবে, এমনি যদি একটা বেকার ছেলেপিলে যদি পাওয়া যায় একটা চেয়ার নিয়ে ও টুল নিয়ে দোকানে বাইরে বসে থাকলো, যে শুধু নজর করা প্রপারলি ব্রিফ করে দেবেন যে তোমার কাজ কি আছে, চেয়ার নিয়ে ঘুমানো না দরকার, লোকে আমরা ব্রিফ করবো, আমরা ব্রিফ করবো। তা কয়েকটা আমরা যদি পরপর বলি কয়েকটা জিনিস, একটা হচ্ছে এই পুজোর মরশুমে একটু সতর্ক থাকা, চোখ পাক খোলা রাখা, পারলে সিসিটিভি লাগান, যাদের ক্ষমতা আছে একটা অ্যালার্ম সিস্টেম লাগান, দোকানের এন্ট্রিটা রেস্ট্রিক্টেড করুন, এই পুজোর দু মাসের জন্য অ্যাটলিস্ট সিকিউরিটি গার্ড রাখুন, আর দিনের বেলায় কোনো না কোনো বেকার লোকজনকে দোকানের সাথে বসিয়ে রাখুন, যে আশপাশটা নজর রাখতে পারবে। একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ অলরেডি তৈরি হয়েছে, আপনাদেরকে এখনই ওটা অ্যাড করে নেওয়া হবে, কোনো কিছু যদি বোঝেন কিছু করতে হবে না, কিছু একটা লোক হচ্ছে একটা ছবি তুললেন, ছবি তুলে পাঠিয়ে দিলেন যে একটা লোক সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছে, লিখে দিন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল গিয়ে ওখানে গিয়ে দেখে নেন, ভাই কী মোবাইল দোকানে ঘুরছে, ঠিক আছে, এরকম হয়েছিল কীরকম ওই আপনার আমাদের মুঠুতের সামনে, ওরা ম্যানেজার একজন দেখলো যেরকম যে ইয়ে করছে, হেলমেট পরে ঢুকেছে, আমার তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, আমরা নোটিশ করলাম, নোটিশ করে সব জায়গায় বলে দেওয়া হলো এরকম এটা কেন হচ্ছে, তা আমরা পুলিশে গিয়ে বাড়িয়ে দিলাম। এই ধরনের জিনিস নোটিশ করলে সেটা কিন্তু বলা, দেখুন মিনিমাম আমাদের ডেলি মার্কেটটা সিকিউর বাজারের মধ্যে, কিন্তু ভেবে দেবেন একবার করে দৌড়ানো বন্ধ করে যে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে আপনি ধরতে পারবেন না, মানে দোকান থেকে পিছনে গিয়ে তারপরে যদি নর্মাল চলাফেরা করে দোকান থেকে বেরিয়ে যায় আর কিন্তু বোঝা যাবে না, সুতরাং আর আপনার মনে হয় থানার কাছে বলে সিকিউর তা নয়, এত বাজারে লোকের মধ্যে।